चलिए अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है रायपुर से। सीएम भूपेश बघेल यूपी के दौरे पर रहने वाले हैं, तो आज सीएम भूपेश बघेल का यूपी का दौरा है। आज से फिर यूपी के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 2 बजे लखनऊ के लिए सीएम भूपेश बघेल रवाना होंगे। तो लगातार इससे पहले भी हमने देखा है सीएम भूपेश बघेल यूपी का दौरा करते रहे, जब पहले चरण और दूसरे चरण का मतदान हुआ उससे पहले दौरे पर रहे और प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील की, जनता का समर्थन मांगा, प्रचार प्रसार में लगातार डटे रहे। और आज उसी कड़ी में एक बार फिर सीएम भूपेश बघेल यूपी के दौरे पर रहने वाले हैं। दोपहर 2 बजे लखनऊ के लिए रवाना होंगे। मावई विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे, पब्लिक मीटिंग में भी शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं संवाददाता भुजेंद्र का। भुजेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। भुजेंद्र, सीएम भूपेश बघेल लगातार यूपी के दौरे पर रहे हैं, लगातार प्रचार प्रसार में जुटे रहे, प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से अपील की, समर्थन मांगा जनता का, और आज फिर जो है यूपी के दौरे पर रहने वाले हैं। आज का क्या कुछ कार्यक्रम? जी पूनम, आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोपहर 2 बजे लखनऊ के लिए रवाना होंगे। रायपुर से लखनऊ के लिए निकलेंगे और उनका मवाई विधानसभा उत्तर प्रदेश में, उनमें डोर टू डोर प्रचार करेंगे, पब्लिक मीटिंग में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। जब से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उत्तर प्रदेश की बागडोर दी गई है, तब से लगातार वो उत्तर प्रदेश के दौरे पर सक्रिय है। और हमारे दर्शकों को बता दें कि जब से कांग्रेस के किसान नेता के रूप को उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, साथ ही छत्तीसगढ़ की कई प्रमुख योजनाओं को यूपी के घोषणा पत्र में शामिल भी किया गया। गोधन न्याय योजना, साथ में किसान कर्ज माफी और समर्थन मूल्य जैसी बड़ी योजनाएं जो है छत्तीसगढ़ की बड़ी योजनाओं को भी उत्तर प्रदेश के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया गया। साथ ही ये भी है कि उत्तर प्रदेश में किसान नेता के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लगातार प्रोजेक्ट किया जा रहा है, लगातार उनका दौरा उत्तर प्रदेश चुनावी दौरे को लेकर किया जा रहा है। कुछ दिनों पहले उनके पारिवारिक कार्यक्रमों के चलते वो उत्तर प्रदेश का दौरा नहीं किए थे, अब फिर उनका फिर उत्तर प्रदेश दौरा आज से शुरू हो गया। आज वो निकलेंगे और मवई विधानसभा के क्षेत्र पे वो प्रचार प्रसार करेंगे, डोर टू डोर प्रचार प्रसार करेंगे, पब्लिक मीटिंग में भी वो शामिल होंगे। तो ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री, उनको कांग्रेस बड़े किसान नेता के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है और छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख योजना है उनको भी घोषणा पत्र में शामिल करके उत्तर प्रदेश की जनता को लुभाने का काम कर रही है। पूनम जी, बिल्कुल, जो है उत्तर प्रदेश की जनता को यहाँ पर लुभाने का काम किया जा रहा है भूजेंद्र। और अगर इसके अलावा भी और बात करें तो सीएम भूपेश बघेल का क्या और अन्य भी कार्यक्रम रहने वाले हैं? जी निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पब्लिक मीटिंग में शामिल होंगे। भूपेश बघेल का एक सूत्रीय कार्यक्रम यह है कि छत्तीसगढ़ मॉडल को हर जनसभाओं में, हर डोर टू डोर प्रचार में वो छत्तीसगढ़ मॉडल को उत्तर प्रदेश पे रख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो गोधन न्याय योजना गौठानों का निर्माण कराया गया था, गोबर की 2 रुपए किलो में खरीदी जो की जा रही है, वर्मी कंपोस्ट बनाया जा रहा है, गोबर से कई तरह की आजकल रंगीन गुलाल भी बनाए जा रहे हैं, साथ ही बिजली उत्पादन भी शुरू किया जा रहा है, इन सारी योजनाओं को उत्तर प्रदेश में बताया जा रहा है। साथ ही जो किसानों का जो कर्ज माफी था, सरकार बनते ही उन्होंने किसानों की कर्ज माफी करने का ऐलान किया था, उत्तर प्रदेश में भी ये घोषणाएं की है, उसको भी लेकर ये वहां पे इन घोषणाओं को दिखा रहे हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश में जो घोषणा पत्र में शामिल किया गया है समर्थन मूल्य, 2500 रुपए समर्थन मूल्य में छत्तीसगढ़ ऐसा प्रदेश है पूरे देश भर में जहाँ 2500 रुपए में धान खरीदी की जा रही है, उनको भी वहां पर उत्तर प्रदेश में लाया जा रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसान नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ मॉडल के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी चुनाव में मतदाताओं को रिझाने के लिए छत्तीसगढ़ मॉडल प्रस्तुत किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसका फायदा होते भी दिखेगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के। हमें हमेशा उनकी घोषणाओं में समझ आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में वो लगातार जुड़े हुए, तो उनके इसका निश्चित तौर पर इसको कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है लगातार हम देख रहे हैं भूजेंद्र के, वाकई सीएम भूपेश बघेल लगातार चुनावी दौरे पर रह रहे हैं उत्तर प्रदेश के। आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास, तो देखने वाली बात होगी कांग्रेस को इसका कितना फायदा मिलता है, क्योंकि लगातार प्रचार प्रसार तो सीएम भूपेश बघेल कर ही रहे हैं।